दौ वर्ष उत्तर प्रदेश थी विखूटा पड़ी गये 50 वर्षीय आदैन्य वेरावणनी निराधार आधार संस्था द्वारा संभाळ राखवामां आवी हती। दौ वर्ष थी लापता बनेला आदैन्य तेमना परिवारजन साथ मिलान थता लागणीसभर दृश्यो सर्जा हता। दौ वर्ष पहला उत्तर प्रदेश थी मानसिक बीमारी भोगवता नंदलाल यादव विखूटा पड़ी जता तेमने वेरावळ जूनागढ़ रोड पर आवेला निराधारनो आश्रम राखवामां आव्या हता। जो कि संस्था की संभाळ अने सारवार बाद तेओ स्वस्थ थता संस्था द्वारा नंदलाल यादव उत्तर प्रदेश ओशिया गाम खाते रहता परिवारजनों ने जाण करवामां आवी हती। जो कि आ परिवार तेमना स्वजन एवा नंदलाल यादव ने लेवा माटे आश्रम खाते आवी पहोंचता दौ वर्ष बाद परिवार साथे नंदलाल यादव नुं मिलन थता लागणीसभर दृश्यो सर्जा हता। मेरा नाम सुभाष है, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, कन्नौज यूपी से। क्या ये मेरे ससुर लगते हैं, ये करीबन 1.5 साल से गायब हैं। इन्हें पुलिस द्वारा से पता लगा तो ये सोमनाथ वेरावल के आश्रम में हैं, तो मैं वहाँ से इनको लेने आया। कितने साल से लापता थे ये? 1.5 साल से। आपने वहाँ किसी FIR और पुलिस में जान की? FIR नहीं कराया, मैं आसपास सब कहीं देखता रहा, ढूंढता रहा, नहीं मिला। आखिरकार आपको यहाँ से मिल गए? हाँ, यहाँ से मिल गया सोमनाथ। कैसी खुशी हो रही है आप? अरे हमारे तो बहुत खुशी है, तो मिल गया तो। मरु नाम जनक पारेख, निराधार नो आधार आश्रम गीर सोमनाथ। रस्ता पर रखड़ता भटकता अस्सीर मगरते रहता बिनवारसी लोग ने अमरा आश्रम आश्रय आपी ए लोगों की सार संभाळ करी सारवार करावी अने परिवार साथ मिलन करवाना उद्देश्य साथ जारे अमे कार्य करी रह्या छे त्यारे आजे एक छेल्ला 1.5 वर्षथी परिवारथी विखूटा पड़ेला उत्तर प्रदेशना 50 वर्षीय वृद्ध ने तेना परिवार साथ मिलन करवामां अमने सफलता मळी छे। पुलिस स्टेशनना माध्यमथी तेना परिवारनो संपर्क करवामां अमने सफलता मळी हती। हालनी तारीखमां अमारा आश्रममां 58 जेटला प्रभुजी आश्रय लई रह्या छे अने छેલ્લા 2 વર્ષમાં 27 જેટલા પ્રભુજીના પરિવાર સાથે મિલન કરાવ્યું।